हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट लेक्चर आपको मिल गया होगा और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ से आपको 10 मास्टर क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपके पास केवल दो टॉपिक हैं, दो मेथड्स हैं, उन मेथड्स पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और हर न्यूमेरिकल आपका 10 मार्क्स में होगा। तो आपको जो मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दो टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो कुछ कंसेप्ट को समझेंगे कि वो कंसेप्ट है क्या जिस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और उसके बाद वाली वीडियोस में हम जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे। हर लेक्चर के एंड में आपको DPP दिए जाएंगे, जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आप करेंगे, ठीक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो कंसेप्ट हैं हमारे उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या KVL के कंसेप्ट डिस्कस करने हैं हमें, KVL के कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। KVL क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो हमें समझना है। उसके बाद सुपर मैश क्या होती है, उसका कंसेप्ट। ये एक अलग टेक्निक है या अलग समझ लिए अलग तरह का सर्किट होता है जिसको सॉल्व भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है बाय यूजिंग KVL। वो भी समझेंगे, KCL को समझेंगे, एंड KCL पे ही बेस्ड होगी आपकी नोडल एनालिसिस और उसी पे बेस्ड होगा सुपर नोड एनालिसिस। तो दो अलग मेथड भी हम इसमें समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम इसमें क्लियर करेंगे। इसको बहुत आराम से देखना, बहुत तरीके से समझना, क्योंकि अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, तब आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और तसल्ली से न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है आपका, बेसिकली ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है उस पर बेस्ड है। मतलब आप किसी सर्किट को जितनी एनर्जी दोगे सर्किट उतनी ही एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। अगर हम इसको KVL की टर्म्स में कहें या अगर हम इसको डेफिनेशन को प्रॉपरली डिफाइन करें, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम किसी सर्किट को वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, कोई EMF सप्लाई कर रहे हैं, तो वो EMF जितना भी हम सर्किट को सप्लाई कर रहे हैं उतना EMF ड्रॉप हो जा रहा है सर्किट में। जितना हम वोल्टेज देंगे उतना का उतना वोल्टेज आपका सर्किट में ड्रॉप हो जाएगा। तो एक तरह से वोल्टेज प्रोवाइडेड टू दिस सर्किट विल बी इक्वल टू वोल्टेज रिसीव बाय द सर्किट एलिमेंट्स। अब यहां पे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे और वोल्टेज कौन कौन देगा, तो भाई वोल्टेज देने के लिए तो आपके पास क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज देने के लिए क्या होता है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, एनर्जी सोर्सेज होंगे आपके पास जो आपके सर्किट को एनर्जी दे रहे होंगे। और डेसिपेट करने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस R1 एंड R2। कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, एक सैंपल सर्किट ले सकते हैं हम किसी भी तरह का। अब यहां से आपको एनर्जी देनी है, ये एनर्जी को देगा और ये एनर्जी को रिसीव करेंगे और उसको फिर डेसिपेट करेंगे। तो मान लीजिए कि 12 वोल्ट आपका ये सप्लाई वोल्टेज है, तो ये 12 का 12 वोल्ट थोड़ा सा यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि उन रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या क्या है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मेथड को समझते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस। अब वोल्टेजेस कौन कौन से होंगे, देखिए वोल्टेज को आप देखिए, यहां पर एक वोल्टेज है Vs जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस आपको सर्किट में दिखाई दे रहे हैं, तो इस सर्किट इस रेजिस्टेंस में एक ड्रॉप होगा और एक इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है। तो इसमें करंट अगर I जा रही है और यहां रेजिस्टेंस R है, तो IR1 यानी कि Vs आप दे रहे हैं और ड्रॉप कितना हो रहा है, IR1 प्लस दूसरा ड्रॉप कितना हो रहा है, IR2। इसको हम कह सकते हैं कि ये VR1 है, ये VR2 है, ठीक है। तो दो ड्रॉप हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, तो इन सबका एल्जेब्रिक सम यानी कि Vs माइनस VR1 माइनस VR2 विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा KVL कहता है, ठीक है। इसको हम इक्वल करके रख सकते हैं, या जब आप डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होंगे तब आप लिख सकते हो कि सिग्मा वी विल बी इक्वल टू जीरो। ये KVL कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेजेस हैं, चाहे वो वोल्टेज जो हम दे रहे हैं वोल्टेज प्रोवाइडेड EMF है या फिर वो ड्रॉप्स हैं,
उन सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब जो सप्लाई दे रहा है वो पॉजिटिव, जो सप्लाई को रिसीव कर रहा है, एनर्जी को डेसिपेट कर रहा है वो नेगेटिव। तो ये सप्लाई को दे रहा है, एनर्जी दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं उसको डेसिपेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव रहा, बाकी दोनों हमारे नेगेटिव हो गए और इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है केवीएल, कि किस तरह से केवीएल आपका लगता है। अब बात आती है कि हम केवीएल के बेस पे करते क्या क्या है, आगे समझते हैं इसको, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। केवीएल से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको बोला जाता है मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस। मैश एनालिसिस भी बोलते हैं और लूप एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने मैश और लूप में डिफरेंस बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ध्यान है मैश क्या होगी, जो शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ होगा, ठीक, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ आपको देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये सब हमारे मैश, ठीक। तो मैश में जब कोई एनालिसिस करते हैं, जब हम मैश में कोई एनालिसिस करते हैं तो उसको बोला जाता है मैश एनालिसिस। ये 2 एम्पियर है, ये आपका करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक है। ये 10 ओम है, अगर किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक, ये 2 ओम है, 4 ओम है और ये 100 वोल्ट है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जिसके बेस पे हम समझ रहे हैं। अभी देखिए क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम सोचते हैं कि मैश एनालिसिस को अप्लाई कैसे करना है, उसके मेथड्स क्या है। तो देखो बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जिसके बेस पे हम मैश एनालिसिस में केवीएल को अप्लाई करते हैं। कैसे, क्या मेथड्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो आप देखिए। सबसे पहला दो तरीके से हम मैश एनालिसिस करते हैं। पहला मेथड है हमारा लूप करंट मेथड। लूप करंट मेथड सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई मैशेस, आइडेंटिफाई मैश, ठीक है, मैश को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मैश कितनी है, कौन कौन सी मैश है, ठीक। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आपको मैश दिखाई दे रही है 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मैश अप्लाई, मैश जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें क्या करना है, एज्यूम लूप करंट, इन एनी डायरेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है डायरेक्शन को लेके, किसी भी डायरेक्शन में आप, किसी भी डायरेक्शन में आप अपने करंट को ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को एज्यूम करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान जो रखना है, आप ये मार्क करिए कि कहीं करंट सोर्स तो नहीं है, अगर किसी लूप में करंट सोर्स है तो वहां पे आपको कोई डायरेक्शन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वहां पहले से करंट सोर्स गिवन है और जो करंट सोर्स गिवन होता है उसी की डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि आप हर लूप में करंट की डायरेक्शन को एज्यूम कर लें। तो देखिए फर्स्ट लूप में आपको करंट दिखाई दे रही है, ये करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी की डायरेक्शन को लेते हुए हम इसमें लूप करंट एज्यूम कर लेंगे। और कितनी वैल्यू है इस करंट की, 2 एम्पियर, इसमें कितनी करंट हो गई, 2 एम्पियर, इस लूप में कितनी करंट हो जाएगी हमारी, 2 एम्पियर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बाकी के दो लूप में चलते हैं, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और करंट मान लेते हैं, इसमें कोई भी रैंडम करंट मान लीजिए I2, रैंडम करंट किसी भी डायरेक्शन में, आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, तो ये कोई रूल नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लेंगे या किसी भी तरह से लें, जैसे आपका मन करे। इस वाले लूप में फिर आप एक करंट की डायरेक्शन मान लेंगे, इसको आपने सपोज मान लिया I3, ठीक है। तो क्योंकि इसमें करंट सोर्स नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, जिसमें वोल्टेज सोर्स होगा वहां पे हम करंट को एज्यूम करेंगे। तो 3 लूप थे जिसमें से एक में करंट सोर्स लगा हुआ था तो वहां पे हमने करंट को एज्यूम कर लिया, बाकी में करंट सोर्स नहीं था तो उसमें हमने करंट को एज्यूम कर लिया। अब तीनों लूप में हमारे पास करंट है तो सेकंड स्टेप हो गया, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब करंट अप्लाई हो गई, अप्लाई केवीएल इन ईच लूप 1 by 1,
हर लूप में केवीएल अप्लाई करना है और उसकी इक्वेशन बनानी है, तो एक एक करके सभी लूप में लगाएंगे, बट वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल इन अ लूप हैविंग करंट सोर्स. अगर किसी लूप में करंट सोर्स है तो उसमें आप केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे. रीजन क्या है कि जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम वोल्टेज ड्रॉप्स की बात करते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप के लिए दो चीज चाहिए होती है. वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर. रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमें चाहिए, उसके अक्रॉस अगर करंट आपको पता है तो आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो. जब आप बात करते हो एक करंट सोर्स की, तो एक करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, और इस आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. ड्यू टू दैट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हमें आर को इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो हमारा वोल्टेज भी इनफाइनाइट हो जाएगा और हम उसमें केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो ध्यान रखिएगा, जिस लूप में करंट सोर्स है वहां आपको केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, और करंट तो आपको पहले से इसमें नोन है, तो इसमें केवीएल लगाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये चीज आपको होप क्लियर हुई होगी. अब इतने ही रूल्स हैं, इतने रूल के बेसिस पे आप केवीएल को अप्लाई कर सकते हो. अब देखिए, इसमें ये हमने लगा दिया, लूप करंट एज्यूम कर ली. अब क्या करो कि जैसे ये लूप है, इस लूप में ये सर्कल पूरा बना हुआ है, हमारा पूरा एक लूप बना हुआ है. कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए. सपोज इस लूप में मैं ये पॉइंट को पकड़ता हूं, इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं. जब यहां से चलना शुरू करते हैं अपनी करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने करंट को एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में चलना है. अब अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होती तो फिर हम ऐसे चलते, अभी हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसे एज्यूम किया है तो हम ऐसे चलेंगे. ठीक, तो जिस डायरेक्शन में आपने करंट को एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में आपको चलना है. सबसे पहले आप चलेंगे तो आप यहां से एंटर करेंगे 5 ओम में. जहां से एंटर करते हैं उसको हमेशा प्लस मान लीजिए, जहां से निकलते हैं उसको हमेशा माइनस मान लीजिए. ठीक है, इसी तरह से जब आगे आए तो 2 में आए, तो यहां से एंट्री किए तो यहां प्लस मान लिया, जहां से एग्जिट किया उसको माइनस मान लिया. फिर आगे बढ़े, यहां से एंट्री किया तो इसको प्लस मान लिया, यहां से एग्जिट किया तो इसको माइनस मान लिया. अब हमारे पास हर एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी है, जो हमने करंट एज्यूम की है उस करंट के अकॉर्डिंग पोलैरिटी आ गई. अब हम इसमें केवीएल अप्लाई कर सकते हैं. केवीएल अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप उस पॉइंट से चलना शुरू करो. सपोज ये ए पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ए स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अप्लाई केवीएल. केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है. यहां से चलना शुरू करेंगे, रास्ते में जितने वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलते चले जाए सबको कलेक्ट करते चले जाओ एल्जेब्रिकली. एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि आप यहां से चले, अब ये तो सारे रेजिस्टेंस है, ठीक, ये ड्रॉप कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहां से चलते हैं, प्लस साइन पे टकराते हैं. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जिस साइन पे टकरा रहे हैं या तो उसी को कंसिडर कर ले, या जिस साइन पे टकरा रहे हैं उससे अगले वाले साइन को कंसिडर कर ले. दोनों से आंसर सेम आएगा, तो फिलहाल के लिए सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो साइन पहले मिलता उसी को कंसीडर कर लेते हैं, इजीली क्वेश्चन हो जाए. तो यहां से चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या साइन मिला हमको, प्लस. तो यहां पे लिखते हैं प्लस, कितना 5 ओम मिला. अब 5 ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर. अब देखिए इसमें करंट कितनी थी, लूप करंट हमने मानी है इसमें आई टू, तो यहां पर कितनी करंट जा रही है, आई टू. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई आर, यानी कि 5 इंटू आई टू, ये इसमें ड्रॉप हो गया. ठीक, इसके बाद आगे बढ़े, फिर से प्लस पे टकराए, तो प्लस रेजिस्टेंस लिख लीजिए 2. अब देखिए इसमें कितनी करंट है, तो अगर हम ध्यान से देखें ना 2 को, तो 2 में तो आपको दिखाई देगा कि सर इसमें तो ये करंट जा रही है ऐसे, कितनी आई टू, लेकिन आई थ्री भी तो जा रही है, और आई थ्री की डायरेक्शन क्या है, ये. तो अगर हम देखें दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है. तो अब यहां पे हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक से दूसरे को माइनस करेंगे. माइनस किसमें से किसको करेंगे, तो समझ लीजिए जो लूप है वही बलवान है,
जिसके लूप में जिसके एरिया में हम चल रहे हैं वही बड़ा है। तो अभी तो हम टू में चल रहे हैं तो टू को हमेशा बड़ा मान लेंगे, जब थ्री में चलेंगे तो थ्री को बड़ा एज्यूम कर लेंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिस लूप में है उसी को एज्यूम करना है बड़ा। तो यहां से चलते हैं आई टू की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो आई टू माइनस आई थ्री, क्यों? क्योंकि टू ओम में दोनों ही करंट जा रही है, तो टू इंटू आई टू माइनस आई थ्री। ठीक है, आगे चले, यहां पर आगे फिर से प्लस का साइन मिला, प्लस कितना 2 ओम है, तो 2 ओम ने लिख दिया। अब देखिए करंट, इसमें एक करंट तो ये जा रही है I2 और दूसरी करंट आ रही है इस लूप से कितनी 2 एम्पियर। तो यहां तो वैल्यू हमें पता है, बड़ा कौन सा एज्यूम करेंगे जिस लूप में जा रहे हैं। तो यहां पे क्या है, I2 को बड़ा मानेंगे तो कितना हो जाएगा I2 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू अपने पॉइंट पे वापस आ गए ए पे, इक्वल टू कर देंगे 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई लूप 1 के लिए, ये लूप 2 के लिए। ठीक है, लूप 2 में हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5i2 2i2 और 2i2 ये हो गया, तो 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 तो हमारे पास हो गया i2 और माइनस 2i3 और इसके बाद 2 2 4 यानी कि माइनस 4, तो इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एक इक्वेशन बन गई इस लूप से, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी इस लूप से। अब इस लूप में भी यही करना है, क्या कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए जिस पॉइंट से आपको चलना है, सपोज इस पॉइंट से चलना है, यहां से चलेंगे तो देखिए यहां से एंट्री ली तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो ऑलरेडी प्लस और माइनस गिवन है हमें, यहां से आए तो अब देखिए इस वाले लूप में ये प्लस था और ये माइनस था, बट जब इस लूप में चल रहे हैं तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। पोलैरिटी हमेशा अपनी लूप में बनाएं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पोलैरिटी को अपनी लूप के अंदर बनाएं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहां पे पोलैरिटी इधर प्लस है ये माइनस है, लेकिन इधर वाले लूप में ये प्लस था और ये माइनस था, हमें तो अपनी लूप से मतलब है, इसका काम खत्म, अब इस लूप में आ गए। यहां से चलते हैं, कितनी है वैल्यू, अब आप इसको लिखिए, अगर हम दूसरी इक्वेशन पाए, अप्लाई केवीएल इन लूप टू, इन लूप टू, तो कितना हो जाएगा सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना है, जैसे यहां से चलना शुरू करते हैं किस साइन पे टकराते हैं, प्लस साइन पे टकराते हैं, तो प्लस 4, कितनी करंट है इसमें, लूप में क्या करंट बानी थी आई थ्री, तो आई थ्री तो जा रही है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें कितनी करंट है i3, तो 4 इंटू i3। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्लस पे टकराते हैं, कितना वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो प्लस 100, अब 100 में i3 मत कर देना क्योंकि ये वोल्टेज है। KVL क्या है, सम ऑफ वोल्टेजेस, जब हम बात कर रहे हैं 5i2 की, तो दिस 5i2 इज द वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि 100 वोल्ट में भी i का मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है, इसमें करंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर बन जाएगी, पावर को थोड़ी ऐड करना है केवीएल में, तो इसको हम 100 ही रहने देंगे, तो प्लस 100 ये आ गया हमारे पास। आगे चले तो इस लूप में फिर से हमें प्लस साइन मिला, तो प्लस साइन फिर से लगा दिया, प्लस रेजिस्टेंस कितना है 2 और इसमें करंट कितनी है, देखिए i3 ऊपर की तरफ और इधर से i2 नीचे की तरफ, कॉमन है दोनों के बीच में। अब मैंने बताया था जो बड़ा है जिस लूप में चल रहे हैं वही बड़ा है, तो लूप कौन सा चल रहा है, नंबर 3, इसमें तो यही बड़ी होगी i3, तो क्या करेंगे 2 इंटू i3 माइनस i2, पहले हमने किया था i2 माइनस i3, अब की बार कितना कर दिया i3 माइनस i2, इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम वापस अपने पॉइंट पर आ गए जो हमारा पॉइंट था। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्लियर हुई, अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो i2 कितना मिला, देखिए माइनस का 2i2, ठीक, और i3 कितना हुआ, 2 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो प्लस का 6i3, इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, 6i3, 100 उधर चला जाएगा, तो माइनस 100 एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर, अभी कर लेते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपकी 9 माइनस 2 4, दूसरी वैल्यू है माइनस 2
माइनस टू, सिक्स एंड माइनस हंड्रेड. तो द आंसर इज आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग आई वन आ जाएगा आपके पास माइनस 3.52 एंड आई टू आ जाएगा माइनस 17.84. अब देखिए आंसर नेगेटिव में आ गया हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर और ये भी एम्पियर सॉल्व हो गया. नेगेटिव आंसर क्यों आया? क्योंकि बैटरी हमारे पास ठीक ठाक बड़ी है, 100 वोल्ट की बैटरी है और हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है और हमने इसके अपोजिट माना था, तो करंट तो निगेटिव आनी ही थी. ठीक है, तो करंट हमारी निगेटिव आई है, उससे कोई इशू नहीं है, आप आंसर को ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से किसी लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं. ठीक है, होप ये समझ में आया होगा. फिर से समझ लीजिए कुछ बेसिक पॉइंट. सबसे पहले आप उस लूप में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहां पे कोई करंट सोर्स होता है. लास्ट वीडियो में भी ये लेक्चर मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन दो नंबर में आपसे पूछा गया था, क्या आप उस लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हो जहां पर कोई करंट सोर्स है? तो योर आंसर शुड बी नो. क्यों? क्योंकि इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. और केवीएल तो होता ही वोल्टेज का सम है, सारे वोल्टेज का सम हमें निकालना है, तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज जब निकाल ही नहीं सकते या इसके अक्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट होगा तो ये लूप बनेगा ही नहीं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो इस लूप में केवीएल अप्लाई नहीं करना है. दूसरी चीज, पर्पज है केवीएल लगाने का, करंट को कैलकुलेट करना. करंट ऑलरेडी हमें पता है तो जरूरत भी क्या है केवीएल लगाने की. ठीक है, तो पहली चीज हो गई केवीएल नहीं लगाना है अगर करंट सोर्स से लगा हुआ है, क्योंकि वो करंट हमें ऑलरेडी गिवन है. दूसरी चीज, आई टू और आई थ्री आपने बाकी दोनों लूप में एज्यूम कर लिया, हर लूप के लिए एक इक्वेशन बनेगी. दो लूप, दो इक्वेशन, दो अननोन, इजिली सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने किया अभी, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अभी इस पे बहुत क्वेश्चन करने हैं, ये तो केवल आपको समझाने के लिए क्वेश्चन था. ये रूल्स हैं आपके, रूल्स क्या है बेसिकली, दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व ए क्वेश्चन बाय यूजिंग मैश एनालिसिस. मैश एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम हर मैश की अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए इसको मैश एनालिसिस बोला जा रहा है. अब ये क्वेश्चन किया हमने लूप करंट मेथड से. अब देखो एक मेथड और बताते हैं, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, तो हम उसके बाद उसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे. कमेंट जरूर करना कि आपको लूप करंट मेथड अच्छा लगा कि जो अब बताने जा रहा हूं वो अच्छा लगा. दो मेथड आपको कराने जा रहा हूं मैं, दूसरा मेथड, सेम क्वेश्चन है, दूसरा मेथड अप्लाई करना है इसमें. इसको हम बोलते हैं ब्रांच करंट मेथड. तो देखिए एनालिसिस तो लूप करंट की हमें करनी है, लूप में हमें चलना है. ठीक है, बट अब की बार हमें क्या करना है, पहले हमने गोल गोल लूप करंट मानी थी, अब की बार क्या करना है, हर ब्रांच में करंट एज्यूम कर लीजिए. कैसे? हमें पता है कि भाई ये 2 एम्पियर की करंट है, तो यहां पर कितनी करंट होगी, 2 एम्पियर. ठीक, अब ये करंट आगे जाएगी तो कुछ करंट यहां चली जाएगी और कुछ करंट यहां चली जाएगी. तो जैसा कि यहां गिवन है हमें आई, तो मैंने यहां पे मान लिया कि साहब 2 में से आई इधर चली गई, तो इधर कितनी बची, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 माइनस आई. इस ब्रांच में कितनी गई, 2 माइनस आई. अब ये आई आगे चली, इसमें से कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ इधर गया. सपोज आई में से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, I माइनस I1. तो अभी आपके पास हर ब्रांच में करंट हो गई. अब अगर हम पोलैरिटी देखें तो ये करंट इधर से एंटर करेगी, यानी कि ये प्लस ये माइनस. ये वाली करंट इधर से एंटर करेगी तो ये प्लस ये माइनस. ये करंट यहां से एंटर करती तो ये प्लस ये माइनस. इसी हिसाब से ये भी प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस. सारी पोलैरिटी हमें मिल गई, वोल्टेज की पहले से ही गिवन है प्लस माइनस. ठीक है, प्लस और माइनस. इस तरह से आपने हर ब्रांच में करंट को एज्यूम कर लिया, बहुत इजी. लूप में करंट नहीं मानना है, अभी तो हम केवल एज्यूम्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं कि करंट को कैसे एज्यूम करना है. तो एक मेथड ये हो गया आपका, जिसको हम कहते हैं ब्रांच करंट मेथड. एनालिसिस लूप में ही करनी है, एनालिसिस हमारी मैश में ही होगी, तो मेथड तो वही रहेगा मैश एनालिसिस, बट हमने करंट को एज्यूम करने का तरीका चेंज कर दिया. अब इस लूप में तो हमें चलने की जरूरत ही नहीं है. मैंने अभी बताया कि जिस लूप में करंट सोर्स है उस लूप में हम केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे. तो वन में तो केवीएल अप्लाई नहीं करना, सीधे टू में चलते हैं. तो जब टू में चलते हैं तो फिर से वही पॉइंट लेते हैं, अब यहां चलते हैं.
तो देखिए अगर हम ए पॉइंट से चलते हैं तो अप्लाई अप्लाई केवीएल इन लूप टू, लूप टू में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहां से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्लस साइन मिला तो प्लस लगा लीजिए, बिल्कुल वही मेथड जो हमने लास्ट कुछ मेथड में किया था। यहां से चले, सबसे पहले साइन मिला प्लस तो प्लस साइन लगाया, फिर यहां पे करना है चूंकि रेजिस्टेंस है तो आईआर करना है, तो आईआर करने के लिए आर कितना है 5, और इसमें करंट कितनी जा रही है, यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि साहब आई करंट जा रही है, तो आई से मल्टीप्लाई करना है तो 5 × I। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं तो देखिए यहां पर फिर से प्लस साइन मिला तो यहां पर प्लस, और कितना रेजिस्टेंस है 2, अब इसमें कितनी करंट जा रही है, अब ब्रांच में करंट है हमारे पास, लूप में नहीं है, I-I1, तो I-I1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन मिला, अब देखो इधर जा रहे हैं तो ये माइनस साइन मिला हमें, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस है 2, करंट की वैल्यू कितनी है 2-I, ठीक। वापस अपने पॉइंट पर आ गए, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5I + 2 7I + इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ताकि यह गड़बड़ ना हो जाए, प्लस 2I-2I1-4+2I = 0। तो कितना हो गया 5+2+2 7+2 9 9I-2I1 = 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली अप्लाई केवीएल इन लूप टू, ठीक है। अब टू में क्या होगा, सॉरी थ्री में, ये थ्री है मान लीजिए, इसको थ्री कर देते हैं। थ्री में क्या होगा, यहां से चलना शुरू करते हैं इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से चलेंगे तो सबसे पहले क्या साइन मिला प्लस, तो प्लस को लगा लिया, ठीक। अब IR ड्रॉप है क्योंकि रेजिस्टेंस है तो IR करना है, तो IR कितना होगा 4 × I1, तो 4 × I1, कितनी करंट थी यहां पर I1, ठीक है। तो 4 × I1 हो गया, ये वाला ड्रॉप मिल गया। अब आगे चले, फिर से प्लस का साइन मिला तो फिर से प्लस का साइन लगा देंगे, है क्या, ये वोल्टेज है तो वोल्टेज को तो ऐसे ही लिखते हैं, तो प्लस 100। आगे बढ़े, माइनस साइन मिला तो माइनस लिख दिया, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस है 2, अब इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है I-I1 = 0। तो इस मेथड में आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिला कि वो जो लूप का कंफ्यूजन होता है कई बार कि कोई ये इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी आ रही है, और इस लूप को बड़ा मानना है, उस लूप को छोटा मानना है, इस मेथड में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां पे तो आपने एक बार जो ब्रांच करंट एज्यूम कर लिया वो फिक्स हो गया, अब उसी के हिसाब से चलना है। पोलैरिटी आपने एक बार बना दी, कहीं पे भी लगाओ पोलैरिटी वही रहेगी। ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4I1+100-2I+2I1 = 0, और ये हो गया -2I+4I1 और = -100। 2i माइनस का 2i1 और 4i1 6i1, इट इज 6i1 माइनस 4+2 6, एंड 100 हो जाएगा हमारा उधर जाके 100, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2। आफ्टर सॉल्विंग वन एंड टू क्या मिलेगा, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, जस्ट ए मिनट। आपका हो जाएगा 9-2 4-2 6-100। यस, सेम इक्वेशन आ रही है, तो बिल्कुल हमारे पास जो आई वन आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, -3.52, एंड आई टू विल बी -17.84 एम्पियर। तो दोनों ही मेथड है, दोनों ही मेथड सही है।
इस मेथड को बोला जाता है ब्रांच करंट मेथड। तो मैश एनालिसिस यूजिंग ब्रांच करंट मेथड, पहला वाला था मैश एनालिसिस यूजिंग लूप करंट मेथड। एक में हम लूप में करंट को एज्यूम करते हैं तब मैश की एनालिसिस करते हैं, इसमें हम ब्रांच में करंट एज्यूम करते हैं और तब मैश की एनालिसिस करते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आपको यह मेथड ज्यादा इजी लगा या पहला वाला मेथड ज्यादा इजी था। जो आप कहेंगे उस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे और आफ्टर इसके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैश के बेस पे ही एक और कंसेप्ट आता है सुपर मैश का। सुपर मैश का कंसेप्ट कब आता है? सुपर मैश का कंसेप्ट कब आता है? व्हेन ए करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू मैश, किन्हीं दो बीच, दो मैश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाए तो वहां पे हम सुपर मैश लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि अगर किसी लूप में करंट सोर्स है तो वहां पे हम केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक फर्स्ट लूप, सेकेंड और थर्ड। तो सेकंड में अगर हम केवीएल लगाने जाए तो भी करंट सोर्स मिल रहा है, थर्ड में केवीएल लगाने जाए तो भी ये करंट सोर्स मिल रहा है। तो भाई क्या करें कि दोनों में ना लगाएं? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस लूप में इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं और इसको बड़ा सा एक लूप बना देते हैं। तो जब हम सुपर मैश लगाते हैं तो हम जो दो लूप के बीच में करंट सोर्स कॉमन है, इस करंट सोर्स को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं और फिर हम एक बड़ा सा लूप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो मिलके ये कहलाएगी एक सुपर मैश। तो एक ये नॉर्मल मैश हो गई और एक ये सुपर मैश हो गई। तो सुपर मैश में हमने क्या किया, जब भी कोई करंट सोर्स दो मैश के बीच में कॉमन होगा तब हम क्या करेंगे, उन दोनों मैश को एक साथ कंसीडर करेंगे और उसमें सुपर मैश लगाएंगे। अब सुपर मैश लगाने में आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, एजम्पशन ऑफ करंट, उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो भाई जो सेपरेट है उसको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, इसमें करंट एज्यूम कर लिया हमने आई वन। ठीक है, अब ये वाली जो है इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो आई वन ऐसे नहीं ले सकते, तो क्या करो, या तो इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी एक साइड को फिक्स कर दो और उसमें करंट को एज्यूम कर दो। मान लीजिए मैं इस साइड को फिक्स कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर फिक्स कर दिया और इसमें करंट मान ली आई टू। अब ये जब I2 इस वाली लूप में एंटर करेगी, जैसे ही I2 इस लूप में एंटर करेगी, ठीक है, I2 तो है ही, लेकिन ये जो 3 एम्पियर है इसका भी तो कुछ रोल होगा, इसका भी अपना कुछ काम होगा, ये भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगी। अब इस 3 एम्पियर को जाने के दो रास्ते थे कि या तो ये ऐसे जाता या ये ऐसे आती, बट मैंने क्या कहा, एक साइड फिक्स कर दो। अब हमने ये वाली साइड फिक्स कर दी तो ये वाला करंट को इधर जाने का रास्ता हो गया बंद। अब ये 3 एम्पियर किधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो यहां पे हमारी करंट कितनी हो जाएगी, I2 पहले से थी और 3 एम्पियर और जुड़ गई। अब क्योंकि देखो 3 एम्पियर इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है और जो हमने एज्यूम की उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐड कर दिया। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो ये ऐसे जाती, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाती, I2 माइनस I3 हो जाता। अभी कितना है, I2 प्लस 3, दैट्स इट, हो गया काम। इस पोर्शन में करंट I2 है, इस पोर्शन में करंट I3 है, दोनों जो करंट सोर्स वाली वैल्यू है, ब्रांच है, उस पर क्रॉस लगा दो कि इसके अंदर तो घुसना भी नहीं भूल के, क्योंकि करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो क्या करेंगे, क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब एक बड़ा सा ओपन सर्किट, उस ओपन सर्किट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्रॉस हमने लगा दिया, इसका मतलब इस ब्रांच में तो घुसना ही नहीं है, केवीएल लगाते हुए जाना ही नहीं है। ठीक, अब फिर से पोलैरिटी एज्यूम कर लेते हैं, लूप करंट मेथड लगा रहे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसमें चलते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप वन, लूप वन में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन पे टकराएंगे, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, तो सबसे पहले प्लस पे टकराए तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है, 3, करंट कितनी है उसके अंदर I1। आगे चलते हैं तो यहां फिर से प्लस पे टकराते हैं, रेजिस्टेंस कितना मिला, 6,
करंट कितनी है इसके अंदर, अगेन I1 तो डाउनवर्ड जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें I1 डाउनवर्ड जा रही है, बट ये भी तो करंट है और ये अपवर्ड जा रही है, ये करंट कितनी है I2। तो अगेन जिसमें चल रहे हैं, जिस लूप में हम हैं, उसी को तो बड़ा मानेंगे, तो I1 को बड़ा मानेंगे, I1 को बड़ा मानेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 ये हो गया। इसके बाद आगे चले, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो माइनस पे टकराया, तो -6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कितना हो गया, 3 और 6 9 I1 ठीक, और -6 I2 और ये हो जाएगा -6 उधर चला जाएगा तो इधर की तरफ हो जाएगा +6, तो 3 और 6 9 I1 -6 I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सुपर मैश में आते हैं, इन सुपर मैश अप्लाई KVL इन सुपर मैश, ये सुपर मैश है हमारी। तो देखिए करंट तो ऐसे चल रही है ना, ऐसे जा रही है करंट, तो ये प्लस ये माइनस, एंट्री किधर से किए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो चलते चले जाओ, तू यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। करंट का ध्यान रखना है, जिस रेजिस्टेंस पे जाओ उस पे रेजिस्टेंस पे करंट को मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ, फिर रेजिस्टेंस मिला करंट मल्टीप्लाई करो आगे बढ़ जाओ, वोल्टेज सोर्स मिला एज इट इज उठाओ आगे बढ़ जाओ, रास्ते में जितने वोल्टेज मिलते चले जा रहे सबको उठाओ आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, जो साइन मिले उस साइन को उठाते चले जाओ, उस साइन के साथ प्लस मिल रहा है तो प्लस के साथ उठा लो, माइनस मिल रहा है तो माइनस के साथ उठा लो, इतना ही केवीएल है और कुछ नहीं है केवीएल में, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से चलते हैं, तो कितना मिला प्लस, प्लस का 2, प्लस 2 मिलते ही करंट कितनी है उसमें I2। यहां थोड़ा ध्यान से समझना, इस पोर्शन में आपकी करंट I2 है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में करंट I2 प्लस 3 है, तो 2 तो इस वाले पोर्शन में आ रहा है ना, 2 इंटू I2, अब इसमें आया 1, तो प्लस 1 कितनी करंट जा रही है उसमें I2 प्लस 3, ठीक है। ये कितना है आपका 4, तो ये 4 भी इसी के साथ जा रहा है, तो 1 प्लस 4 हम कर सकते हैं, या चलो अलग ही लिख लेते हैं, 4 कितनी करंट जा रही है I2 प्लस 3, ठीक है। आगे आगे प्लस ये मिला कितना 6, तो प्लस 6, अब इसमें कितनी करंट है I2 ऊपर, इधर से I1 नीचे, तो हम तो I2 को बड़ा मानेंगे क्योंकि इस वाले लूप में है, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, क्योंकि वापस अपने पॉइंट पर आ गए, जहां से चलते हैं वही वापस आना है, ये जरूर ध्यान रखना, पॉइंट पे लौट के नहीं आए तो अधूरा रह जाएगा, जहां से चले हो वहीं पे वापस लौट के भी आना है, तभी तो लूप बनेगा, यहां से चले थे तो यही वापस आ गए, अब लूप कंप्लीट हो गया खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, I2 कितना हो गया 2, ये हो गया 1, 3, 3 प्लस 4 7, 7 और 6 13, तो 13 I2, I1 कितना है माइनस का 6, तो -6 I1 प्लस 13 I2 कॉन्स्टेंट, यस 3 यहां से मिला और 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 3 यानी के 15, तो प्लस 15 ये मिला इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 I1 माइनस 13 I2 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2, माइनस साइन को कॉमन लेके दफा दफा कर दिया, ठीक है। तो 1 और 2 आपको मिल गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट इज -6 6 6 -13 एंड 15, तो आवर आंसर I1 इक्वल टू आ जाएगा -0.15 एम्पियर एंड I2 will be equal to -1.2 एम्पियर, सो द आंसर इज विल बी दिस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को आप ब्रांच करंट से भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रांच करंट में क्या करेंगे,
इसी क्वेश्चन को अगर हमें ब्रांच करंट से करना है तो देखिए क्या कर सकते हैं, ब्रांच करंट से करेंगे तो क्या करेंगे, ये 6 वोल्ट है ठीक, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 4 है। अब कहीं पे भी करंट मान लो पूरे सर्किट में जहां आपका मन करे ना, कहीं से तो स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए आंख बंद करके। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि किसी कोने से स्टार्ट करना है, जहां से मन करे वहां से स्टार्ट कर लो। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, से दिस करंट इज आई। अब देखिए ये करंट आई आगे जाएगी तो इस पॉइंट से आगे आगे जाने के दो रास्ते मिले, एक ये और एक ये। तो एक रास्ते को मैंने मान लिया कि भाई इस आई में से आई वन इधर चला गया। अब आई वन अगर इधर गया तो गया किस में से, आई में से तो गया, तो आई माइनस आई वन इधर आ गया ठीक। अब ये आई वन आगे बढ़ा तो अब ये आई वन इधर तो जा नहीं सकता है क्योंकि इधर करंट सोर्स है और करंट सोर्स में कोई और करंट जा ही नहीं सकती क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। बार बार बता रहा हूं इस बात को ध्यान रखना, करंट सोर्स वाली ब्रांच में आप कभी जा नहीं सकते हो। तो ये करंट की भी हिम्मत नहीं है कि इस लाइन में घुस जाए, तो ये तो सीधे ही आगे जाएगी। तो आई वन यहां आ गई बट पीछे से थ्री भी तो आ रही थी, तो थ्री भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये कितनी करंट हो गई, आई वन प्लस थ्री ठीक है। तो आई वन इधर आ रही थी, जब आगे गए तो आगे जाके ये भी इसमें ऐड हो गया ठीक। अब यहां ऐड हो गया, ये करंट हो गई, सारी करंट आपको मिल गई। बस आपको क्या करना है, दिस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर से ये आया तो ये प्लस और ये माइनस, लगा दीजिए केवीएल। यहां से चलेंगे तो 3 इंटू आई वन प्लस 6 इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू 6। यहां पे चलेंगे तो 2 इंटू आई वन, 1 इंटू आई वन प्लस 3, 4 इंटू आई वन प्लस 3 और माइनस 6 इंटू आई माइनस आई वन। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस आ। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, आपको जो मेथड सही लगता है वो अप्लाई करिए, आपको दोनों से ही आंसर मिलेगा और दोनों से सही आंसर मिलेगा, दोनों ही टेक्निकली करेक्ट हैं मेथड्स, कोई टेक्निकली चैलेंज नहीं कर सकता है दोनों मेथड्स को। तो जिससे आपको इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज दी सुपर मेस, जब हमारा कोई करंट सोर्स दो मेस के बीच में कॉमन होता है ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सुपर मेस के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आए हैं, एक क्वेश्चन तो 4 बार कम से कम रिपीट हुआ है सुपर मेस का। तो सुपर मैश का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा मेथड है सर्किट को एनालाइज करने का, दैट इज केसीएल। केवीएल आपने पढ़ा, केवीएल इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ की बात करते हैं तो लूप की बात करते हैं, किसी लूप में जितने भी वोल्टेज हैं उन सबका सम अगर 0 है तो वहां पे उसको केवीएल हम कहते हैं। केसीएल में क्या है, इसको हम लूप में नहीं, दो चीजें देखिए एनालॉगस हैं जो साथ साथ चलेंगी। एक बार हम बात करेंगे लूप की तो दूसरी तरफ बात करेंगे हम नोड की ठीक है। एक तरफ वोल्टेज की बात करेंगे तो एक तरफ करंट की बात करेंगे ठीक है। अगर लूप की बात करेंगे तो करंट की बात करेंगे। तो जब केवीएल कर रहे थे तो लूप की बात कर रहे थे, मैश की बात कर रहे थे तो वोल्टेज इक्वेशन बनाई थी, जब केसीएल की बात करेंगे तो नोड की बात करेंगे और करंट की इक्वेशन बनाएंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि भाई किसी पॉइंट पे अगर कुछ बहुत सारी करंट आ रही है और जा रही है तो उसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि भाई जितनी करंट इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग होगी, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट नोड, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसा नहीं कि इनकमिंग करंट ए नोड पे काउंट कर ली और बी नोड पे आउटगोइंग देख रहे हो, ऐसा नहीं। ए उसी पॉइंट की, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट, यहां पर आप देखिए तो इनकमिंग करंट I3, I2 एंड I1, ये इनकमिंग करंट है तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 और दो आउटगोइंग है, बाहर जा रही है यहां से, तो I4 और I5, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई ठीक है, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू दी आउटगोइंग करंट। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट
एट ए पर्टिकुलर नोड इज ऑलवेज जीरो, किसी नोड पे जितनी भी करंट हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, किसी एक को प्लस मान लो, किसी दूसरे को माइनस मान लो, यानी कि अगर हमने इनकमिंग को प्लस मान लिया तो आउटगोइंग को माइनस एज्यूम कर ले। तो इनकमिंग को प्लस कंसीडर किया, आउटगोइंग को माइनस कंसीडर किया, सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया, तो उनका सम भी इक्वल आएगा, तो सेम चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा केसीएल। तो केसीएल को अप्लाई कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। इसको हम कह सकते हैं सिग्मा आई विल बी इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके मेथड्स क्या होंगे वो आप समझ लीजिए। एक सेकेंड, इसके आप स्टेप्स को नोट करिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट आपको फाइंड जंक्शन, जिसको हम बार बार यहां पे नोड बोल रहे हैं, फाइंड जंक्शन या नोड इन अ सर्किट। इसी सर्किट में कितने नोड हैं, कितने जंक्शन हैं, वो आप फाइंड आउट करिए। जंक्शन मतलब जहां पे तीन ब्रांच हो रही हैं, या आप सिंपल इसको समझिए, आप ये सोच के देखिए हमें वो पॉइंट कंसीडर करना है जहां पे हमें लगता है कि यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर वो करंट पीछे से आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो उस पॉइंट को हमें कंसीडर करना है। ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने अपने सर्किट में जहां पे आपको लगता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेलेक्ट ए रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड, एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट कर लेना है बॉटम में कहीं पे भी, जहां पे सारी ब्रांच हमारी आके मिल रही हैं, क्योंकि रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा जीरो होता है, वो ग्राउंडेड होता है, तो ग्राउंड का वोल्टेज जो होगा हमेशा जीरो होगा, यानी कि रेफरेंस नोड पे वोल्टेज हमेशा कितना मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। ठीक, मार्क नोड वोल्टेजेस, जितने नोड आपने फाइंड आउट किए उनको मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपको सर्किट में दो नोड मिले तो V1 V2 मान लिया, तीन नोड मिले तो V1 V2 V3 मान लिया, या VA VB VC मान लिया, इस तरह से आप नोड फाइंड आउट करोगे। थर्ड, एज्यूम करंट्स इन ऑल ब्रांच, हर ब्रांचेस में आपको करंट एज्यूम कर लेनी है, डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, जहां मन करे जैसे मन करे डायरेक्शन मान लो, बस हर ब्रांच में मान लेना, इतना ही काम करना है, हर ब्रांच में मानना है, डायरेक्शन क्या है भूल जाओ, जो भी आप बनाओगे वो सही हो जाएगी। ठीक है, आंख बंद करके कोई भी डायरेक्शन बना सकते हो, एवरी डायरेक्शन विल बी राइट, कोई डायरेक्शन गलत नहीं होगी, आप कोई भी डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्शन आपने मान लिया, ठीक है, वोल्टेज आपने मान लिए, करंट आपने मान लिया, अब आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई KCL ऑन ईच नोड, ऑन ईच नोड। अब जितने नोड आपको मिले, जितने वोल्टेज आपने वहां माने V1 V2 V3, उन सब पे एक एक करके KCL अप्लाई कर दो कि इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। दोनों एक नोड है तो एक इक्वेशन बनेगी, दो है तो दो इक्वेशन बनेगी, चार नोड है तो चार इक्वेशन बनेंगी, तीन है तो तीन इक्वेशन बनेंगी। जितनी इक्वेशन बनेंगी उतने अननोन वोल्टेज होंगे, उतने ही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, सपोज ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम नोड फाइंड आउट करना है, सबसे पहला काम नोड फाइंड आउट करना है। तो नोड क्या होगा, देखिए जहां से करंट डिवाइड हो सकती है, तो करंट अगर मान लीजिए यहां से चली तो यहां पे जाएगी और यहां जाएगी, यानी कि यहां से करंट डिवाइड हो रही है, इसको एक नोड आप मान लेंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको नोड मान लिया वन, फर्स्ट नोड मान लिया। अब ये जो करंट आएगी ये ऐसे जाएगी, डिवाइड तो नहीं हो रही ना, इसमें जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है, वही इसमें जा रही है, तो इसको नोड मानने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको नोड नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही तो करंट जा रही है सेम, तो इसको नोड नहीं मानेंगे। आगे चलेंगे और यहां ये नोड है जो मैंने बताया एक रेफरेंस नोड मानना है,
एक इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड का वोल्टेज हमेशा कितना होता है? जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस नोड को सबसे पहले बना लो। अब देखो यहां के अलावा कितने नोड बन रहे हैं, तो एक नोड बन रहा है, ठीक है। तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 एम्पीयर, ठीक है, 2 एम्पीयर इसकी वैल्यू है। और अब ये काम हो गया, तो जो पहला स्टेप था हमारा नोड फाइंड आउट करने का वो हमने मान लिया। दूसरी बात, उस नोड को मार्क कर लिया। अब इस पे वोल्टेज मान लेंगे, सपोज यहां वोल्टेज माना हमने V1। अब तीसरा काम क्या करना है, हर ब्रांच में करंट मान लेनी है। तो देखिए भाई, इस ब्रांच में तो करंट आपको गिवन है कितनी, 2 एम्पीयर, डायरेक्शन भी गिवन है, तो इसमें तो गलत मानने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जहां पे नहीं है वहां कोई भी करंट मान लो। सपोज यहां आपने मान लिया I1 और यहां आपने मान ली I2, I1 और I2 दो करंट आपने मान लिया। अब KCL अप्लाई करना है इस नोड पे, इस नोड पे आपको KCL अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर आया था, ठीक है, तो वही मैंने सैंपल के तौर पे लिया है। यहां पे आपको KCL अप्लाई करना है, तो क्या करो, इस नोड पे KCL अप्लाई करो। तो अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक। तो कितनी करंट है इस नोड पे? 1, 2 एंड 3, तीन करंट आपको इस नोड पर आती हुई दिखाई, जितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं उतनी करंट जुड़ी हुई आ रही हैं। अब इसमें देखो कौन सी इनकमिंग है, कौन सी करंट इस नोड पे आ रही है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, तो 2 एम्पीयर करंट ही तो इस नोड पे आ रही है, बाकी तो दोनों दूर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट कौन सी है, 2, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, I1 और I2। तो 2 = I1 + I2, सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो I1 + I2 = 2। अब यहां पे I1 I2 क्या है हमें नहीं पता, तो I1 I2 को आपको निकालना है। I1 क्या होगा, दिस I1 आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करो, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज, देखिए V1 से गए 0 तक आए, तो यहां वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 - 0। तो आपको क्या करना है वो निकालना है। तो I1 इसको लिख देता हूं, I1 will be equal to V1 - 0 upon कितना रेजिस्टेंस, 8। I = क्या होता है, V/R, I = V/R। तो V/R के लिए वोल्टेज आपने निकाल दिया, ये वोल्टेज कितना होगा, V1 - 0, और रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। तो V1 - 0 upon 8। सिमिलरली आप I2 को अगर निकालेंगे, तो ये I2 है आपका पूरा इधर जो जा रहा है, इस I2 के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देखिए इस ब्रांच का कितना है, 4 + 2 = 6, यानी कि मैं इसको यहां ना लिख के यहीं पे 6 कर देता हूं, ठीक। तो पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 मिल जाएगा। करंट किधर से जा रही है, इधर से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नोड के केस में जो डायरेक्शन आपकी करंट की है वो आपको ये बता देगी कि वोल्टेज किधर हायर है किधर लोअर है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी। मतलब अगर करंट मेरी ऐसे जा रही है तो मेरा V1 बड़ा होगा, और इधर जा रही है तो ये छोटा होगा, ये भी तो वोल्टेज है, ये छोटा होगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट मान लेते तब ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता। तो आप जो करंट की डायरेक्शन मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर लीजिए कि भाई हमारा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो यहां V1 इज ग्रेटर, तो हमें क्या करना है, जो ग्रेटर है वो तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो क्या कर सकते हैं, I1 विल बी इक्वल टू हो गया हमारे पास, अभी हमने निकाला V1 - 0 upon 8। I2 की अगर हम बात कर रहे थे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 से हम चले V1 को लेंगे पॉजिटिव। अब चूंकि करंट ऐसे आ रही है, और ये देखिए जो बैटरी है, बैटरी की करंट हमेशा ऐसे निकलती है, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ। इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम इस बैटरी से करंट की डायरेक्शन को देखें तो वो ऐसे होनी चाहिए, बट करंट हमने मानी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब बैटरी को करंट अभी मिल रही है, वो रिसीव कर रहा है, तो बैटरी कैसी हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि करंट इसके अपोजिट है। तो V1 - बैटरी का वोल्टेज कितना, 2, और 0 पे तो हम जा रहे हैं, तो -0। ये तो हो गया इस ब्रांच का वोल्टेज। फिर से समझ लीजिए, ये पॉइंट सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर किसी ब्रांच में वोल्टेज है तो क्या करेंगे, इस ब्रांच में वोल्टेज है तो आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन आपको मिल गई, जैसे ही करंट की डायरेक्शन मिले आप तुरंत उसके हिसाब से समझिए कि किधर हायर पोटेंशियल है किधर लोअर। जो हायर है वो V1 है, दूसरा जो वोल्टेज है वो लोअर होगा हमेशा इधर की साइड में। तो V1 अगर हायर है तो V1 पॉजिटिव ले लिया,
जो लोअर है यानी कि 2 वोल्ट कम पे होगा तो माइनस 2 किया और 0 को भी माइनस करेंगे करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, आई 2 कितना हो गया V1 माइनस 2 अपॉन 6। बाकी और क्वेश्चन करेंगे, बार बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आई वन आई टू की वैल्यू रख दीजिए कितनी, V1 अपॉन 8 प्लस V1 माइनस 2 अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, आप एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3V1 और ये आ जाएगा प्लस 4V1 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 यानी के 7V1 इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू 24 यानी के 48, और 7V1 इक्वल टू हो जाएगा 48 प्लस 8 यानी के कितना हुआ 48 प्लस 8 प्लस 8 6 यानी के 56, ठीक है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन 7, ये कितना आ गया 8, यानी के 8 वोल्ट आ गया आपका V1। अब आपको V1 मिल गया तो I1 I2 तो इजीली मिल ही जाएंगे भाई। I1 आपको पता है V1 बाई 8, तो V1 कितना है 8, 8 अपॉन 8 यानी के 1 एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना है 8 माइनस 2 अपॉन 6, V1 8 था तो 8 माइनस 2 यानी के 6, तो 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1 एम्पियर। आपको सारी करंट मिल गई, I1 कितना हुआ 1 एम्पियर, इधर I1 गया वो कितना हुआ 1 एम्पियर, सारी करंट आपको मिल गई, आपका आंसर आ जाए। तो इस तरह से हम KVL KCL के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या किया, सबसे पहले नोड को फाइंड आउट किया, जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे वोल्टेज को एज्यूम किया, ब्रांच में रैंडम कोई भी करंट आपने मान ली, अगर करंट सोर्स से आ रही है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर कहीं पे वोल्टेज सोर्स आ जाए तब क्या करेंगे। तो आप ये चेक कर लीजिए जो डायरेक्शन आपने मानी है और जो वोल्टेज सोर्स बनाएगा डायरेक्शन, वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन बनाएगा प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन बना रहा है, अब ये डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अलग है तो वोल्टेज सोर्स को निगेटिव ले लो, अगर आपकी डायरेक्शन और वोल्टेज सोर्स जो करंट बनाएगा उसकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो प्लस ले लो, ठीक है। मान लीजिए अभी ये बैटरी ऐसे ना होके, ये आपकी अगर बैटरी इस तरह से होती, नीचे की तरफ पॉजिटिव होता और यहां निगेटिव होता, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से करंट निकलती, तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाती। आपकी डायरेक्शन भी ये थी, जो मानी हुई है वो भी डायरेक्शन ये है, तो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि वोल्टेज सोर्स किधर की तरफ करंट बना रहा है, अगर उसकी करंट और जो आपने एज्यूम किया है सेम है तब तो हम उसको ऐड करेंगे, अगर वो सेम नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात अगर आपने ध्यान रख ली तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है, और अगर आपने इस पे लापरवाही कर दी तो 100% गलती होगी ही होगी। तो ये चीज आपको बहुत आराम से देखना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वोल्टेज सोर्स तो जरूर लगा ही लगा होगा, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मेरी गारंटी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर उसको डिस्कस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोडल एनालिसिस में एक और एनालिसिस आता है, कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। अब कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड क्या है, मान लीजिए व्हेन व्हेन देयर इज ए वोल्टेज सोर्स between two nodes and no resistance in branch, मतलब अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस तो है नहीं, केवल वोल्टेज सोर्स है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सुपर मैश लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स था, रेजिस्टेंस भी था, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखें तो इन दो नोड के बीच में, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इन दो नोड के बीच में ये वोल्टेज सोर्स है पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, और हमें अगर करंट निकालनी है दिस आई टू, तो आई विल बी इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, जब आर ही नहीं है तो हम आई कैसे निकालेंगे, अगर आर जीरो है तो करंट इंफिनिटी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे केवीएल केसीएल अप्लाई
नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट हमें मिलेगी नहीं। इस केस में हम क्या करते हैं, सुपर नोड का कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे सुपर मैश था, दो मैश को मिला के एक बड़ी मैश बना दिया क्योंकि करंट सोर्स कॉमन था। अब चूंकि वोल्टेज सोर्स कॉमन है तो दो नोड को मिला के एक नोड बना देंगे, दो नोड को मिला के एक बना देंगे। सबसे पहले तो स्टेप वन से शुरू करते हैं, फर्स्ट नोड मिला, सेकंड मिला N1 N2, यहां मान लिया हमने V1, यहां मान लिया हमने V2, दोनों नोड मान लिए। अब हमें सुपर नोड बनाना है। सुपर नोड का मतलब क्या है कि भैया इसको मिला के एक बड़ा सा सुपर नोड बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया N, कैपिटल N। ये एक ही नोड बनेगा, अभी अलग अलग नहीं बनेगा। बस फर्क क्या है, इस नोड के इधर वाले हिस्से पे वोल्टेज V1 है और इधर वाले वोल्टेज हिस्से पे वोल्टेज V2 है। ठीक है, नोड हमने बड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, ये नोड हमने बना दिया। अब इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले इसको लगाते हैं। तो अब ये नोड बन गया, अब आपको क्या करना है, ब्रांच करंट एज्यूम करनी है। तो देखिए इधर कितनी करंट है, करंट सोर्स है 3 एम्पियर, इधर भी करंट सोर्स है कितना 2 एम्पियर, इधर आपको दिया हुआ है करंट I3, इधर आपको करंट दिया हुआ है I1। ठीक, अब अगर मैं इस नोड को देखें, आप बीच में भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये आपका पूरा का पूरा एक नोड है। तो इस नोड पे कितनी करंट है, एक तो ये करंट आ रही है इनकमिंग, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है और ये आउटगोइंग है, बाकी सब आउटगोइंग है, केवल 3 एम्पियर इनकमिंग है। तो क्या लिखेंगे कि इनकमिंग करंट 3 विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कितना है I1 प्लस I3 प्लस 2, तो कितना हो गया I1 प्लस I3 इक्वल टू 2, इधर हो जाएगा माइनस, यानी कि 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब I1 कितना होगा, I1 को देख लेते हैं। देखिए ये तो रेफरेंस है, यहां वोल्टेज कितना है 0, I1 कितना है, यहां वोल्टेज कितना है V1, यहां कितना है 0, तो V1 माइनस 0 इस ब्रांच का वोल्टेज हो गया, तो V1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक, I2 अगर देखें, I3 अगर हम देखें तो I3 कितना हो गया, चलिए इसको यहां नहीं बनाते, I3 कितना हो जाएगा V2, करंट यहां से चली ना तो V2 हायर पोटेंशियल पे होगा, तो V2 माइनस 0, V2 से गए 0 तक पहुंच गए, V2 माइनस 0 अपॉन कितना रेजिस्टेंस 1, यानी कि एक I3 कितना हो गया इक्वल टू V2। तो I1 निकल गया, I3 आपका निकल गया, तो इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, I1 की वैल्यू हो गई V1 बाई 2 माइनस I3 की वैल्यू हो गई V2 इक्वल टू 1, तो V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप कहोगे कि सर दो अननोन है V1 और V2, इक्वेशन V1 V2 की आपने बनवा दी एक, अब सॉल्व कैसे करें, तो रुक जाओ दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ये जो सुपर नोड है इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना, क्या होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन I1 ऐसे है, ठीक है, या ये प्लस है, तो इधर की तरफ प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस होगा, तो क्या होगा, जो प्लस साइड है उसको हम हायर मानेंगे, जो माइनस साइड है उसको लोअर मानेंगे, तो क्या मिलेगा, इधर V1 माइनस V2। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, फ्रॉम सुपर नोड V1 माइनस V2, इस V1 में से ये V2 माइनस करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स बचेगा कि नहीं, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 2, ये आ गए इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्या मिलेगा, 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट में आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 2, तो V1 विल बी इक्वल टू आ गया आपका 2 और V2 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो V1 इक्वल टू 2, V2 इक्वल टू 0, तो यहां से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो I1 will be equal to हो जाएगा V1 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि V1 है 2,
तो 2/2 यानी कि 1 एम्पियर, और V2 कितना है 0, तो I3 कितना आ जाएगा 0 एम्पियर, यानी कि यहां पे कोई करंट जाएगी ही नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा कि ये I3 3 एम्पियर था, I1 आपका ये जो है ये कितना चला गया 1 एम्पियर, इधर की तरफ कितना बचा 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर पूरा का पूरा इधर आ गया, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ एक सुपर नोड का, होप आपको समझ में आया होगा। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम से ही लिया गया है। हाँ थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस में काफी बदलाव हुए हैं, लास्ट ईयर ही नया सिलेबस लगा है, तो वहां से थ्योरम्स को रिमूव कर लिया गया है, एग्जाम्पल हमने वही लिए, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसी थ्योरम से पूछ लिया गया, आपके सिलेबस में थ्योरम्स नहीं है तो हमें वो नहीं पढ़ानी है अभी, हमको केवल आपको जो बेसिक कंसेप्ट है केवीएल और केसीएल का वो सिखाना है। केसीएल के साथ में सुपर नोड का कंसेप्ट आता है, केवीएल के साथ में सुपर मैश का कंसेप्ट आता है, तो ये दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगली वीडियो में हम मैश एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम नोडल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करें, घर से सॉल्व करें, उसके बाद हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि आज का लेक्चर काफी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।